सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कुलवीर क्रिएशंस। तो आज की इस वीडियो में हम ड्यूल टोन कलर एडिटिंग के बारे में सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट जंप टू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आपने अपनी मॉडल की पिक को स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है और यहाँ से उसके बाद में डबल एक्सपोजर के ऊपर टैप कर देना है। इसके बाद में आपने उस कलर रिंग वाली पिक को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपने इसको थोड़ा यहाँ से एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंगली लगा देना है। सो गाइस, इसके बाद में आपने सेकेंड नंबर वाले स्टैक्स ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से एड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो इतना करने के बाद ऊपर से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से व्यू एडिट्स के ऊपर जाना है और इसके बाद में आपने डबल एक्सपोजर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपने यहाँ से इसको टैप कर देना है और इसकी वैल्यू आपने ज़ीरो कर देनी है। सो गाइज, इसके बाद में आपने इस कलर रिंग के एक्स्ट्रा पोर्शन को यहाँ से रिमूव कर देना है। सो गाइज, इतना करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से इसको डन कर देना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, आपने अपनी पिक को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है और यहाँ से ऐड फोटो के ऊपर जाके इस शेड वाली पिक को आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपने इसको थोड़ा अपने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा आपने डिक्रीज कर देना है। इसके बाद में आपने एक बार फिर से ऐड फोटो के ऊपर जाना है और यहाँ से इस पिक को आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपने इसको थोड़ा अपने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना और इसकी ओपेक्सिटी को भी आपने डिक्रीज कर देना है। गाइज, वीडियो में यूज़ होने वाली सभी पिक्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से सिंपली इनको डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज, इतना करने के बाद आपने यहाँ से ब्लेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको स्क्रीन के ऊपर टैप कर देना है। सो गाइज, इतना करने के बाद आपने यहाँ से रेजर टूल को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में इन्वर्ट को आपने टैप कर देना है। इसके बाद में आपने जाना है रीस्टोर टूल के ऊपर और यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको अपीयर कर लेना है। सो गाइस, डन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपने जाना है ड्रॉ टूल के ऊपर और यहाँ से सिंपली अपनी पिक को सेव कर देना है। नाउ मूविंग टू द लास्ट स्टेप, आपने यहाँ से अपनी पिक को एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेना और यहाँ से प्रोफाइल सेक्शन में जाके आर्टिस्टिक फोर टूल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सो गाइस, इसके बाद में आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना और पिक में थोड़ी आपने टेक्स्चर और क्लियरिटी को ऐड कर देना है। इसके बाद में अपनी थोड़ी विजिबिलिटी लेवल को थोड़ा डिक्रीज कर देना है। सो गाइज, इसके बाद में आपने इस टूल के ऊपर जाना है और पिक में थोड़ी शार्पनेस लेवल और नॉइज रिडक्शन लेवल को आपने इंक्रीज कर देना है। सो गाइज, इसके बाद में आपने यहाँ से टॉप मोस्ट वाले इस टूल को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में थर्ड नंबर वाले इस बॉक्स वाले आइकन को आपने टैप करना है। सो गाइज, इसके बाद में आपने स्क्रीन के ऊपर फिंगर्स को स्वाइप करना है और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस अपीयर हो जाएगा। आपने इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है और इसके बाद में आपने जाना है एक्सपोजर टूल के ऊपर। सो गाइस, एक्सपोजर टूल को ओपन करने के बाद आपने इसकी वैल्यू को थोड़ा डिक्रीज कर देना है।
इसके बाद में आपने कुछ अपनी पिक के अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट्स कर लेनी है। इसके बाद में आपने स्क्रीन के दूसरी साइड भी अपनी फिंगर्स को स्वाइप करना है और आपके सामने एक बार फिर से कुछ इस तरीके का इंटरफेस अपीयर हो जाएगा। आपने इसको अपनी एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। सो गाइस, इतना करने के बाद आपने यहाँ से कलर ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से ब्लू टोन के ऊपर आपने टैप कर देना है। सो इतना करने के बाद आपने एक बार फिर से एक्सपोजर टूल के ऊपर जाना है और उसकी वैल्यू को आपने एक बार फिर से डिक्रीज कर देना है। सो गाइस, इतना करने के बाद आपकी पिक बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई होप दैट यू लाइक आर वीडियो एंड इफ येस देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आर चैनल एंड लाइक द वीडियो टू। जल्दी मिलेंगे और ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।